क्वेश्चन नंबर सिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 16/3. प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर मतलब ये एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 16/3. इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3, मतलब कोई एक को ले लो, मुझे ऐसी अल्फाबेट वाली ही मेथड अच्छी और इजी लगती है. अब कोई नंबर इधर है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. तो x इक्वल्स टू 16/3 डिवाइड बाय -4/3. अब मैं इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/-4. 3 और 3 क्या हो गया मेरा कैंसिल, और ये 4 फोरजा क्या हो गया 16, और माइनस साइन तो रहेगी ही. सो माई अनदर रैशनल नंबर इज -4. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 7, बाय वॉट रैशनल नंबर शुड -91/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 13. अगेन क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाय -91/5. सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 5/-91. ठीक है, 13 7 जा, सो आंसर इज वॉट -5/7. नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8, बाय वॉट रैशनल नंबर शुड -15/28 बी डिवाइडेड. बाय वॉट रैशनल नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 3/4. तो क्या होगा, x ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, तो x इक्वल्स टू -15/28 डिवाइड बाय 3/4. सो x इक्वल्स टू -15/28 मल्टीप्लाइड बाय 4/3. सो ये 4 7 जा, और ये होगा 3 5 जा. सो x इक्वल्स टू अगेन -5/7. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ 15 1/10 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द रिबिन ऑफ लेंथ. मतलब एक पूरी एक पीस, दिस इज द लेंथ ऑफ वॉट पीस. ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 181/5 मीटर्स. ठीक है, ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये सेंटीमीटर है और ये क्या है, मीटर है. 181/1/5 इक्वल्स टू व्हाट, 5 × 181 इज 905 एंड प्लस 1, सो 906 बाय 5 मीटर्स. ठीक है, और ये है 15 1/10, सो इट इज 151/10 सेंटीमीटर्स. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये होगा 906/5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो क्या होगा, 906/5 डिवाइड बाय 151/10. नंबर ऑफ पीसेस फाइंड करने हैं. ठीक है, तो क्या होगा, बड़ी रिबिन नंबर ऑफ पीसेस, तो विच इज इक्वल टू 906/5 × 10/151. ये तो पहले सीधा ही जाएगा, सीधा ही इसको तो 5 से ही चला जाएगा. 5 × 5, 5 × 8 = 40, again 5 × 5, 5 × 2 = 10 and 0. ठीक है, अब ये 151 है तो 6 और 7, सो 181
टू ज़ीरो को अगर मैं 151 से डिवाइड करती हूँ तो क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट 120. सो 120 इंटू 10, सो 1200 सेंटीमीटर्स के, 1200 सेंटीमीटर्स का पीसीज होंगे या तो फिर 12 मीटर का एक पीस होगा. ठीक है, मतलब कि क्या होगा, मीटर का ही ले लो. सो 12 पीसीज होंगे, 12 पीसीज. ओके, क्योंकि मीटर की रिबिन है उसमें से सेंटीमीटर को मैं कट किया है. सो ऑब्वियसली ये तो क्या, हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मैंने उसको उसमें किया. चलिए नाउ 10th. इफ 22 ड्रेसेस ऑफ इक्वल साइज कैन बी स्टिच्ड फ्रॉम 71 मीटर ऑफ क्लोथ, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर ईच ड्रेस. मतलब कितने हुए 22 ड्रेसेस, मतलब डिवाइड बाय 22 जो हमको देगा लेंथ ऑफ क्लोथ, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लोथ. ठीक है, तो 71 1/2 डिवाइड बाई 22. सो 71 × 2 करेंगे तो 142 and 143 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 22. अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/22. अब ये दोनों क्लियरली लिख दिख रहा है कि ये 11 से जाएंगे. सो 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा एंड 11 3 ज़ा, तो क्या आएगा 13/4. अब क्योंकि ये सम जो है वो मिक्स नंबर में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये भी आपका मिक्स फ्रैक्शन में ही होगा. ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर 9 ख़त्म हुआ. अगर आपको और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, मैं हो सके उतना जल्दी सॉल्व करूँगी. और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.